Hello student, welcome to Sant Haridas College of Higher Education. I am Savita, Assistant Professor, Education Department. Today we will discuss about simulated teaching. This is very important topic for BEd first year. Meaning of role playing or simulated teaching. Role playing is also known as SSST, SSST, meaning is simulated social skill training of teaching. The main objective is to develop the social skill for playing the role of a teacher in the classroom. It is used to achieve the psychomotor objective. It is very useful for training institution to develop social skill because it provides situation to the student to perform the task. Definition: role playing, grammatical strategy. The pupil teacher has to play the role of pupil and teacher. The pupil teacher has to teach small lesson to his own colleagues, assuming them as secondary class student. They have to act as student. Every pupil teacher has to teach in rotation. The teaching is followed by discussion and suggestion for the modification of behavior. जैसा कि नाम से ही पता है रोल प्लेइंग, रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह जब हम करते हैं, इसी का नाम अनुरूपण शिक्षण भी कहा गया है. रोल प्लेइंग का अर्थ है कि भूमिका एक नाटकीय व्यू रचना है, कि स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल नाटक की तरह है. जैसे एक मंच पर जैसे जो नाटकीय पात्र होते हैं वे किरदार के बाद दूसरा किरदार सामने आता रहता है और अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं. सेम एज इट इज़ सिमुलेटेड टीचिंग में भी रोल प्ले करना होता है. प्यूपल टीचर को एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए फीडबैक इन्वेस्टिगेटर, हर तरीके से रोटेशन प्रणाली के द्वारा एक एक करके सबकी रोटेशन आती है, बारी आती है और अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं. कुछ सेकंड के लिए किसी भी एक सोशल स्किल को लेकर साइकोमोटर टेक्निक है ये यूज़ करते हैं. छोटा सा कंटेंट आप किसी इकाई से, किसी यूनिट से, कहीं पर भी ले सकते हैं. एज ए टीचर जैसे बिहेव करते हैं, वही आपको इन सर्विस में जाने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है सिमुलेटेड टीचिंग के दौरान, इसका मतलब ये है कि आपको जो कठिनाई आई है, आने वाली है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपकी बदलाव करना आपके व्यवहार में, जो कठिनाइयाँ इन सर्विस में आती हैं सिमुलेटेड में, वो सारे एक्सपीरियंस आप सिमुलेटेड टीचिंग में ले लेते हो, रोल प्लेइंग में ले लेते हो. जैसे आप एज ए टीचर पढ़ा रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कैसे स्टूडेंट टैकल करते हैं, कैसे स्टूडेंट क्वेश्चन पुट करते हैं आपसे, कैसे आप इंटरेक्शन करोगे, कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हो सिमुलेटेड टीचिंग में. इसे पायलट मेथड भी कहा जाता है. जैसे एक छात्र अध्यापक शिक्षक की भूमिका में होता है तथा अन्य छात्र क्या करते हैं, छात्र के रूप में अभिनय करते हैं, एज ए स्टूडेंट वो बिहेव करते हैं और उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट एडवाइज़र या फीडबैक जो आपका लेता है, सुपरवाइज़र के तौर पर काम करते हैं. ये रोटेशन में चलती रहती हैं और व्यवहार में सुधार लाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं टीचिंग के बाद, तो इमीडिएट फीडबैक भी यहाँ दी जाती है. रोल प्लेइंग हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स. रोल प्लेइंग जो है सिमुलेटेड टीचिंग है, मेन दो चीज़ों पर हैं. रोल प्लेइंग इज द स्पॉन्टेनियस एक्टिंग आउट ऑफ ए सिचुएशन. Invention. Role playing is a form of invention in which the participant assume the identity of other person and the react as they perceive their behavior in a particular set of circumstances. जो भी स्थिति आपके सामने आ रही हैं as a teacher, as a student, as a supervisor, वो सारी चीज़ें ही मेन मोटिव है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रोल प्लेइंग की. कैसा फीडबैक रिजल्ट देता है, कैसे इवेल्यूएशन करेगा वो, कभी उसे बायस नहीं होना है, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो पहले ही इन सर्विस में जाने से पहले आपको जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि व्यवहार में क्या क्या आ रहे हैं, उस रोल प्ले करने के दौरान क्या क्या परेशानी आ सकती हैं, तो इन सर्विस में जाने से पहले मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, कि आपके व्यवहार में बदलाव ला दिया जाता है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है.
जैसे आप पीएससी पर जाते हैं उसका मोटिव यही है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। आप स्किल को एडोप्ट करके आप स्किल से बहुत अच्छे से जान जाते हो कैसे यूज़ करनी है, कैसे टीच करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना आपको, ये सारी चीज़ें पीएससी पर आप यूज़ करते हो। वो इसीलिए जब आप ट्रेनिंग पर जब भी जाते हो, जब आपकी टीचिंग प्रैक्टिस चल रही होती है, तो इसका मतलब क्या है, जो व्यवहार स्कूल में होने वाला है एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए फीडबैक सुपरवाइजर, जैसे वो सारी चीज़ें सिमुलेटेड में आप पहले ही करके देख चुके होते हो, तो आप आने वाली सिचुएशन से पहले ही अवेयर होते हो, आपके लिए वो चीज़ें नई नहीं होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रिइंफोर्समेंट, बिल्कुल पुनर जो बल देना होता है आपको, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट, कि बार बार कुछ गलतियां हो जाती हैं तो टीचर या स्टूडेंट आपको रिइंफोर्समेंट देते हैं, यस वेरी गुड, शाबाश, आप कर सकते हैं। इस तरीके से अप्रिसिएशन के साथ साथ अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, कहीं ना कहीं आपको परफेक्ट बनाने के लिए सिमुलेटेड टीचिंग कराई जाती है, रोल प्ले करवाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत, करके सीखने के सिद्धांत पर पूरे टिकी हुई है ये प्रणाली। क्यों? क्योंकि हम पहले से उन सिचुएशन में आ जाते हैं। एज ए टीचर अगर मैं रोल अदा कर रही हूँ पीपल टीचर, तो मुझे पता है कैसे कंटेंट डिलीवर करना है, बाइलिंगुअल कैसे टीच करना है बच्चों को, क्या क्या इंटरेक्ट करना है, कौन से चीज़ें हैं जो बहुत हाईलाइट करके टाइम कंज्यूम देना है, कौन से हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट कैसे, स्टूडेंट का क्या क्या बिहेव हो सकता है, कौन कौन से स्टूडेंट स्पेशल स्टूडेंट हैं जो स्पेशल नीड के हैं, कौन कौन इंक्लूसिव एजुकेशन में या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी से पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें व्यवहार जो है बच्चों का जान जाते हो, इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग ये प्रिंसिपल पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ रिहर्सल बिफोर द एक्चुअल टास्क, बिल्कुल एक्चुअल टास्क कौन सा होगा, इन सर्विस में जब कल आप जाओगे उससे पहले की रिहर्सल जब कराते हैं, एज यू नो जैसे 26 जैन का अगर हम परेड का हम अगर एग्जांपल लें, तो उसमें भी क्या है, फुल ड्रेस रिहर्सल होती है 1 या 2 दिन पहले, तो वो क्या कराई जाती है कि एक्चुअल टास्क आने से पहले आपको रिहर्सल करवाई जाती है। तो सेम एज इट इज़ रोल प्लेइंग मेथड में या सिमुलेटेड टीचिंग में आपको एक्चुअल टास्क, एक्चुअल सर्विस में आने से पहले आपको रिहर्सल करवा दी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्किल थ्रू ग्रुप वर्क, कि ग्रुप वर्क के द्वारा, ग्रुप वर्क कैसे है, एज ए टीचर रोल प्ले करते हैं पीपल टीचर, एज ए स्टूडेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और फीडबैक देने वाले, इवेल्युएशन करने वाली टीम भी आपके साथ में होती है, और रोटेशन प्रणाली में चलती रहती है, जो पहले टीच कर रहा था वो स्टूडेंट बन गया है, अगले रोटेशन में हो सकता है वो सुपरवाइज़र बन जाए जो आपको इवेल्युएट कर रहा है, जो आपका फीडबैक देने वाला है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ग्रुप वर्क पर कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, और ग्रुप वर्क इन्हांस किया जाता है, यहाँ पर अवेयर किए जाते हैं कि ग्रुप में टीम के साथ कैसे काम किया जाता है। स्टेप इन्वॉल्व इन रोल प्लेइंग सिमुलेटेड टीचिंग में कौन कौन से स्टेप है, प्रिपरेशन स्टेज है, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेज आती है जिसमें तैयारी की अवस्था नाम दिया गया है। भूमिका निर्वाह जो तकनीक है, जो टेक्निक है, इसमें सबसे पहले बात की ऐसी परिस्थिति या वातावरण निर्माण करना होता है जिसे भूमिका निर्वाह वास्तविक लगे, कि हमें ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है पीपल टीचर के द्वारा कि ऐसा लगे रियल में ही क्लास चल रही है, ऐसा नहीं आप आर्टिफिशियली नहीं लगे, ऐसा लगे हाँ एक्चुअल में क्लास हो रही है, तभी आप एक्चुअल में वहाँ के जो सिचुएशन है, जो टास्क आने वाला है आपके सामने, उससे अवेयर रहेंगे, अवगत रहेंगे। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ रोल प्लेयर्स, कि जो है सिलेक्शन ऑफ रोल प्लेयर, जो पात्रों का चयन होने वाला है कि कौन सबसे पहले भूमिका निभाएगा टीचर की, तो उसका चुनाव छात्र अध्यापक की योग्यता और उपयुक्तता दोनों को ध्यान में रखते हैं। हम पीपल टीचर की योग्यता को देख लेते हैं कि हाँ इसमें ये क्वालिटी ज़्यादा है, तो स्टूडेंट को पहले असाइन कर दिया जाता है कि आप टीचिंग करोगे, हमें लगता है एक स्टूडेंट के कैसे रिएक्ट करेगा दूसरा ग्रुप स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट ग्रुप हम रेडी कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा मेंबर किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी आपके पास आवश्यक सामग्री है वो आप सभी के पास होने चाहिए ताकि वातावरण का निर्वाह उचित ढंग से हो सके। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, बिल्कुल
दर्शकों की तैयारी। भूमिका निर्वाह तकनीक की सफलता के लिए कक्षा में सभी विद्यार्थियों का पूरा सहयोग आवश्यक होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो विद्यार्थी पात्र के रूप में, जो ऑब्जर्वर के रूप में, या जो दर्शक के रूप में, जो ऑडियंस है या जो स्टूडेंट बन रहे हैं, उन बालकों को भी उनकी अब बता देना चाहिए, पहले असाइन कर देना है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आप क्या करोगे। नेक्स्ट, एनेक्टिंग द स्टोरी। स्टोरी जब कर रहे हो आप, रोल एंड सिमुलेशन, भूमिका निर्वाह प्रक्रिया को संपन्न कैसे करना है कि बार बार रोटेशन होती जाती है, सभी विद्यार्थी अपने अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहते हैं और इसे सफल बनाने में लगते हैं। देन डिस्कशन एंड इवेल्युएशन, रोल एंड सिचुएशन, कि जो आप रोल और सिचुएशन इसमें थी, क्या क्या रोल देना, क्या क्या सिचुएशन है, कौन कहाँ बैठेगा। उसके बाद डिस्कशन एंड इवेल्युएशन, इवेल्युएशन परिचर्चा और मूल्यांकन की जब सोपान की बात आती है, तो उसमें क्या है कि हम सभी जो विद्यार्थी हैं, अध्यापक और पीपल टीचर मिलकर डिस्कस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि कैसा भूमिका निर्वाह रहा आपका, आपकी रोल प्लेइंग कैसी थी, आपने आप में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या कमियाँ थी, क्या आपके एट्रीब्यूट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे, क्या फीडबैक होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आपकी लैंग्वेज क्या थी, हर तरीके से उसको इवेल्युएट किया जाता है और इमीडिएट फीडबैक स्टूडेंट को, पीपल टीचर को दिया जाता है। उसके बाद है कंक्लूजन एंड जर्नलाइजेशन। बिल्कुल, जब करते हैं हम, जब कंक्लूड करते हैं किसी चीज़ को, तो निष्कर्ष पर क्या निकलते हैं, दोबारा हम पुनः परिचर्चा करवाते हैं, दोबारा से वो रोटेशन में आते रहते हैं, जब तक करवाए जाते हैं, जब तक एक स्टूडेंट अच्छा टीचर या अच्छा पीपल टीचर अच्छे टास्क के लिए रेडी ना हो जाए, रियल टास्क के लिए रेडी ना हो जाए, तो इसको यूज़ करना चाहिए बार बार। उसके बाद सामान्यकरण कैसे है कि जो उनसे संबंधित हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो हमें ये बेनिफिशियल मिलेगा, स्टूडेंट ऐसे अवेयर होते हैं, ऐसे हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, फिर भविष्य में जो यूज़ होगा वो जनरलाइजेशन होगा कि हाँ, कि हम कैटेगरी कर देते हैं कि ऐसा ऐसा होने से ऐसा व्यवहार कर सकता है, मेरे इस व्यवहार से स्टूडेंट का ऐसा व्यवहार आ सकता है। मान लीजिए मैं बहुत पोलाइट ही रहूँ, धीरे से लेक्चर देती रहूँ, लास्ट तक के बच्चों का अगर ना सुनाई दे तो उनका क्या है, डिस्टर्बेंस करेंगे वो, या बार बार नॉइज़ क्रिएट होगी क्लास में, तो जो जनरलाइजेशन होता है कि भविष्य के लिए हम रेडी हो जाते हैं। दिस इज़ द स्टेप। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ रोल प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। बिल्कुल, सामाजिक जो स्किल हैं, जैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे डेमोक्रेटिक या टीम वर्क करना है, हमारा डेवलपमेंट हो जाता है सामाजिक कौशल का। उसके बाद इमीडिएट रीइन्फोर्समेंट यहाँ पर दिया जाता है, इसका एडवांटेज है कि हाँ, हमें तुरंत अगर कुछ कमी है तो डिस्कशन और इवेल्युएशन के द्वारा हमें कमी पता चल जाती है और हमें रीइन्फोर्समेंट द्वारा उस चीज़ को दोबारा से, जब तक हम मास्टरी ना करें किसी पर्टिकुलर स्किल में या लेक्चर में, तब तक ये बार बार कराई जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिहर्सल, बिल्कुल रिहर्सल का अवसर है एक तरीके से, कि अवसर दिया जाता है आपको जब तक आप निपुण ना हो जाएं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एक्टिविटी, जो टीचिंग में होना चाहिए, कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, कैसे टीचिंग करानी है, कैसे आउटकम मिलते हैं, कैसे स्टूडेंट का बिहेव होता है, ये सारे चीज़ें जान जाते हैं हम रोल प्लेइंग के द्वारा या सिमुलेटेड टीचिंग के द्वारा। लिमिटेशन ऑफ रोल प्लेइंग, टाइम कंज्यूमिंग है, हर पीपल टीचर के अगर साथ में हम इसको एडोप्ट करते हैं या इसको लागू करवाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आर्टिफिशियल लगता है। कई बार बच्चा बिहेव एक्चुअल में कुछ और कर रहा होता है, और जब आप उसके सामने खड़े होते हैं या बाद में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका व्यवहार कुछ और निकल कर आता है, तो ये कई बार आर्टिफिशियल लगता है, रियल उसके गुण कुछ और ही हैं। और एक्चुअल में बहुत ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चा हो सकता है, ट्रेनिंग में ना कर पाए, लेकिन वो बच्चा एक्चुअल में जब कभी इन सर्विस में होगा, जॉब में होगा, वो बहुत अच्छा कर सकता है। नॉट यूज़फुल फॉर डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, हाँ, किसी एक स्किल को यहाँ पर प्रमोट नहीं किया गया है, पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी पर्टिकुलर स्किल पर सिमुलेटेड टीचिंग को यूज़ किया जा सकता है, किसी पर भी बच्चा कर सकता है, तो हर स्पेसिफिक टीचिंग स्किल के लिए यूज़फुल नहीं है। नॉट यूज़फुल फॉर शाई एंड इंट्रोवर्ट स्टूडेंट,
जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, जो कम वार्तालाप करते हैं, कई बार आपकी क्लास में देखा गया है, हर क्लास में एक दो बच्चा ऐसा मिलता है, उन्हें ब्रशअप करना होता है, उन्हें आगे निकालना होता है, उनके लिए ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लानी पड़ती हैं जिससे वो आएँ। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका नेचर ही इंट्रोवर्ट होता है। सबको पता है व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी है हर इंसान के अंदर होती है, हर सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं। तो इंट्रोवर्ट और शाय स्टूडेंट्स के लिए रोल प्लेइंग कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, ये उपयुक्त विधि नहीं लगती। इसमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन रोल प्लेइंग बहुत एज ए रिहर्सल काम करते हैं, एक्चुअल टास्क के पहले बहुत अच्छे से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और अपने टीचिंग को रियल टीचिंग में जाने से पहले हम बहुत अच्छे से स्किल ओरिएंटेशन बना सकते हैं। किसी भी स्किल को एडोप्ट करके प्रैक्टिस का आपको टाइम मिलता है, जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, कैसे इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, कैसे मॉडल्स यूज़ करने हैं, कैसे प्रेजेंट करने हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो रोल प्लेइंग से कहीं ना कहीं पीपल टीचर को बहुत फ़ायदा मिलता है, और जब वो कभी रियल टास्क पर जाएंगे तो उन्हें बेनिफिशियल भी होगा, और साथ साथ में उनकी एक अलग से पर्सनैलिटी निकल कर आएंगी, जो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।